बचपन से ही नृत्य में ट्रेनिंग लेने की शुरुआत की है. पहले मैं नॉर्मल ऐसे ही डांस क्लास में जाके सीखती थी. उसके बाद मैं जब 10th पास आउट हुई तब मैंने नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से भरतनाट्यम में एमए मैंने पास किया है. और मेरी खुद की एक संस्था है श्वेता नृत्य कला केंद्र करके, उसमें मैं कई बच्चों को भरतनाट्यम और अपनी जो महाराष्ट्र की लोक कला है उनका प्रशिक्षण देती हूँ. अब तक कितना प्रयोग हुआ है? जो श्वेता नृत्य कला केंद्र ये संस्था है उसका जो हम प्रोग्राम करते हैं उसका नाम है कवड़सा बाल मनाजा. और उसके बाद हम लोगों ने कवड़सा लोक कलेसा और उसके बाद अभी कवड़सा माय मराठी सा ये कार्यक्रम हमने किए हैं. तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारा 355वां प्रोग्राम है. आने वाले टाइम पे कितने लोग आपसे अभी तक जुड़े हैं और आने वाले टाइम पे कितने लोग जुड़ने वाले हैं उसके बारे में बता दीजिए. अभी तक जितने लोग जुड़े मतलब जुड़ के गए हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है. मतलब जो बचपन से मैं उनको सिखा रही हूँ साधारण कितने होंगे, हजार से ज्यादा बच्चों को मैंने सिखाया है. मैं बचपन से ही ये डांस सिखाती आ रही हूँ और आगे भी सिखाने की मेरी इच्छा है. आप अभी बताया कि महाराष्ट्र के बाहर भी आपको ये कार्य करना चाहिए, उसके लिए आप किस तरह आगे मीडिया के द्वारा मैसेज देना चाहेंगे कि आपका जो प्रोग्राम अभी महाराष्ट्र के बाहर भी करने वाले हैं तो उसका मैसेज किस तरह मीडिया के थ्रू आप देने वाले हैं? मैसेज मतलब ऐसे जो हमारा कवड़सा लोक कलेसा जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग महाराष्ट्र की जो लोक कला है जो कल्चर है महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो हम लोग दिखाते हैं. आप देख रहे हैं अभी सब व्यसन का जमाना है, कोई कल्चर के बारे में इतना सोचता नहीं है. तो हमारी यही इच्छा है मेरी और मेरी पापा की कि ये जो अपना महाराष्ट्र का कल्चर है उसके ऊपर कोई भी पर्दा नहीं आना चाहिए. वो आजकल के बच्चों को भी वो मालूम होना चाहिए. इसलिए हम लोग हमारे महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो आगे लेके जाने का सोच रहे हैं. आज कितने बच्चों ने यहाँ प्रदर्शन किया? आज यहाँ पे 60 लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है. तो उसमें से किसी कोई मतलब जो परफॉर्मेंस मिला तो किसका अच्छा परफॉर्मेंस मिला यहाँ पे? किसका अच्छा से बोल नहीं सकते, मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे है. उनमें से कई बच्चे है जो साधारण 7-8 साल से मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं. जब वो छोटे थे 3 साल के थे तब से मेरे पास आए हैं. अभी वो 10-12 साल के हो गए हैं. 3 साल में और अब 10-12 साल में मतलब उनको आपको सिखाने में 3 साल में और 10-12 साल के बच्चों में क्या डिफरेंस है दोनों? बहुत ही डिफरेंस है. छोटे बच्चों को तो सिखाना पड़ता है. मतलब जब वो छोटे थे तब एक एक चीज सिखानी पड़ती थी, लेकिन अभी वो इतने अच्छी तरह से ट्रेन होते हैं कि मैं उनको जरा सा एक झलक भी बताऊं तो समझ जाते हैं कि मुझे क्या बताना है और मुझे क्या दिखाना है. आप फ्यूचर में आगे क्या करना चाह रहे? जैसे मैंने पहले भी बताया जो मेरे बच्चे है उनको मुझे आगे लेके जाने की बहुत इच्छा है. अभी तो ये नॉर्मल महाराष्ट्र में उनके परफॉर्मेंस हो रहे हैं. अभी महाराष्ट्र के बाहर जो अपने है वहाँ पे मुझे बच्चों को लेके जाना है और अपनी महाराष्ट्र की जो कल्चर है वो दिखाना है. सर आप अपनी सपुत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी सपुत्री बचपन से मैंने देखा कि उसमें डांस में रुचि है. तो कम से कम 20 साल पहले की बात है तभी डांस लड़की ने करना उतना नहीं था. मेरे फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं था कि बच्ची डांस करके उसमें क्या करेगी. फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसको सपोर्ट किया कि डांस जो जो उसको सीखना चाहिए था डांस में वाह वाह उसको लेके जाके मैंने उसको सिखाया. एक सामने दे रखा कि उसको जिस चीज में रुचि है उसमें उसको सपोर्ट करे आगे लेके जाए. और अभी वो इस तरह के अभी उसने डांस में मास्टर की है और जो मेरी इच्छा थी वो अभी सफल हुई. और जो उस टाइम पे ना बोल रहे थे कि अभी क्या बच्चे को लड़की है डांस करके अभी बड़ी होगी बस हो गया, लेकिन वही अभी सब उसको वाह वाह करते हैं मेरे को शाबाशी देते हैं बहुत दिल को अच्छा लगता है. आगे आप क्या सपोर्ट करेंगे अपनी सपोर्ट्री को? अभी तो वही सपोर्ट कर रहा हूँ कि अभी डांस कर रही है सब कर रही है. ये जो बच्चों को सिखा रही है उसमें मेरे को बहुत
अच्छा फील हो रहा है कि उसको भी अच्छा फील हो रहा है कि वो बच्चों को बना रही है, सिखा रही है, वो बच्चे आगे जा रहे हैं, उसमें हमको भी बहुत अच्छा लगता है। वही है कि उसके साथ जो बच्चे सीख रहे हैं उनको भी उसी की तरह आगे लेके जाना है। यहाँ पे जितने बच्चे डांस किया है उसका पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपने जितना सपोर्ट किया इस तरह अपने बच्चे को मैसेज किस तरह देना चाहेंगे? जब हमारी उनसे बातचीत होती रहती है महीने दो महीने में, तो मैं उनको बताता हूँ कि बच्चों को जो भी डांस ही नहीं समझो, जो रुचि है उसमें भी सपोर्ट कीजिए। तो जो उनको सपोर्ट करेंगे तो उसके साथ में उसकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, वो बच्चा प्रोग्रेस अच्छा करता है। तो वही मैं उनको बताता रहता हूँ कि जो भी फील्ड डांस हो या और कोई हो, आप उनको सपोर्ट करो, बच्चों को आगे लो, पढ़ाई भी तेज हो जाती है और वो आगे। बहुत ही मधुर छोटा परंतु त्या कार्यक्रमामध्ये वेगळेपणाने, ह्या कार्यक्रमांमध्ये वेगळेपणाने, ह्या कार्यक्रमामध्ये खासियत असं आहे की हे कुटुंब, ज्या कुटुंबाने पूर्णपणे लोकनृत्याला किंवा त्या कार्यक्रमाचे जे शीर्षक आहे कवडसा माय मराठीचा त्याला झोकून दिले आहे। आणि त्यामुळे असं आहे की कार्यक्रम करताना किती बोलावं त्याही पलीकडे किती बोलावं असं माझ्यासारख्या निवेदकाला वाटतं। आणि त्यामुळे जी लहान लहान मुलं आहेत त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर मुळात आधी ज्या वेळेला दुसऱ्या दोन गाण्यांमधला जो कालावधी आहे त्यामुळे त्यामध्ये स्वतःला वाटतं की आमच्या बालवयामध्ये श्वेताली शिंदे सारखा जर गुरु आम्हाला भेटला असता तर नक्कीच आमच्यासारखा सक्षम कलाकार घडला असता। पण आज तसं नाही आहे, कारण सकाळ संपली, दुपार सुद्धा संपली आहे, संध्याकाळ जवळ आली आणि त्यामुळे वय काल परत वय कोणासाठी थांबत नसतं। पण ती मनामधली जी उणीव आहे ती उणीव मात्र या कार्यक्रमात काम केल्यामुळे भरून येते, ते एक समाधान आहे। मला एक सांगायला विचारायचं आहे, आता तुमचा हा जो कार्यक्रम आहे हे एक चित्र आहे समजा, ते चित्र आपण एक बघतो आणि ते चित्र जे एखाद्या सुंदर प्रेममध्ये बघतो ते एक वेगळा भाव असतो। तसं तुमच्या निरूपण जे आपण जे करतात त्यामध्ये तुमच्या कार्यक्रमाला एक जो वेगळा भाव निर्माण झाला, एक वेगळं त्याला एक आकर्षण निर्माण झालं, हे तुम्ही कसं काय साध्य केलं? धन्यवाद धन्यवाद। हे साध्य करण्यामध्ये सर कसं आहे की मी असं म्हणेन की कलावंताने नुसतेच कार्यक्रम मिळाले, कार्यक्रम मिळाल्यानंतर एखादी तारीख आल्यानंतर ती तारीख म्हणजे कपडे घालून प्रेक्षकांना सामोरं जाण्यापेक्षा कलाकृती काय आहे, विषय काय आहे, विषयाला धरून तो विषय सादर करणाऱ्या कलाकारांना लोकाभिमुख करणं हे मला तर वाटतं निवेदकाचं काम आहे। सर श्वेतालीबद्दल तुम्ही इतकी वर्ष एकदा कार्यक्रम बघता, तिच्या स्वतः तुम्ही आयोजन करता, कसं काय वाटतं श्वेतालीबद्दल, तुम्हाला काय मत तुमचं? आतापर्यंत मी जे कलाकार पाहिले त्यामध्ये श्वेता या नावाला तिची उंची, तिचं मोजमाप कोणताही कलाकार करू शकत नाही। कारण बुजुर्गाने सांगितलं की विद्या विनयने शोभते, एखाद्या व्यक्तीकडे शिक्षण हे पाहिजेच, शिक्षणाबरोबर आईवडिलांचे संस्कार पाहिजेत आणि हे सारे गुण श्वेतामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळतात आणि तिच्या कलागुणांमध्ये सुद्धा अनुभवायला मिळतात। कारण ज्येष्ठांचा माना ज्येष्ठांना घ्यायलाच पाहिजे आणि हे जे धोरण आहे ते तिने सातत्यपूर्ण जतन केलंय, त्यामुळे यश तिच्या पायाशी लोळण घालते आणि यश तिच्या पायाशी लोळण घालत राहणार। थँक्यू सर। तुम्ही सर सांगाल कार्यक्रमाविषयी जरा कसा वाटला कार्यक्रम? होते कार्यक्रम तर मस्तच होतो, कार्यक्रम झाला म्हणायचं आहे, कार्यक्रम चांगला झाला। ठीक सर।